तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यहाँ पे टेक जादू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके पास एयरटेल की सिम है और कॉल नहीं लग रहे है, यहाँ पे परेशान है आप, तो मैं यहाँ पे कुछ तरीका कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसके मदद से कॉल आपकी लगने लगी। यदि आपकी कॉल लगने लगी लगे तभी मेरे वीडियो को लाइक करेगा, नहीं तो मत करेगा। वैसे दोस्तों आपकी मर्जी, आज मैं देर नहीं करूंगा, जल्दी से करूंगा वीडियो को स्टार्ट और पूरा तौर तरीके आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे क्या है। जो पहला तरीका है मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन बार को आप ऐसे स्वाइप करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा फ्लाइट मोड का या एरोप्लेन का, इसको आप खोज लीजिएगा, नोटिफिकेशन बार में ही होता है, इस पर आप टैप कर दीजिएगा। जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी और इसको 5 सेकंड ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक है। फिर से आप इसको बंद कर दीजिएगा। जैसे ही बंद करेंगे वापस से आप कॉल करने जाएंगे तो 99% चांस है कि आपकी कॉल लगने लगेगी। यदि फिर भी नहीं कॉल लगती है तो आज मैं कुछ सेटिंग आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, यहाँ पे अपने किसी भी कंपनी के आपका फोन उसके सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। इसके ऑप्शन में जाएंगे तो एक ऑप्शन देखिएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, यहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं आपके फोन में ऑप्शन जरूर होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, ये ऑप्शन को ढूंढ लेना है। जिसे ढूंढ के इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपने आपको अपने सिम पे क्लिक करना है। ऊपर आपकी सिम दिखेगी जिस सिम से कॉल नहीं लग रहा है, यदि दो सिम है तो दोनों दिखेगी, एक है तो एक दिखेगी। जिससे कॉल नहीं लग रहा है उस सिम पे आपको क्लिक करना होगा, टैप करना होगा। तो इस वजह से टैप करेंगे ना फर्स्ट में सेकंड में, जिसमें सिम हो गया आपको पता ही होगा, तो फर्स्ट में तो फर्स्ट पे, सेकंड पे तो सेकंड पे, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, यहाँ पे ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे एक फर्स्ट पे ऑप्शन होगा प्रीफेड LTE का या 2G 3G 4G कुछ इस तरह से लिखा होगा, यानी फर्स्ट पे ही ऑप्शन होगा। आपको फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करना, पहला वाला फर्स्ट पे 2G 3G 4G होगा लिखा या तो प्रीफेड LTE, इसी पे आपको क्लिक करना है। 2G 3G 4G लिखा उस पर क्लिक करेगा, नहीं तो प्रीफेड LTE लिखा तो इस पर क्लिक करेगा, यानी फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके वापस आएंगे, आप कॉल करेंगे, कॉल जाने का पूरा चांस है कॉल जाने लगेगी। यदि फिर भी नहीं कॉल जाती है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है। इसमें आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपके यहाँ पे सिम दिखाई जाएगी, सिम पे टैप कर देना होगा। इस पे जैसे ही टैप करेंगे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, यह जो ऑप्शन होगा नीचे यूज बोल्टी का, ये ऑप्शन ऑन रहता है, ठीक है, मैंने बंद करके रखा था क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम थी। ये ऑप्शन आपके फोन में ऑन होगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ इसलिए करिएगा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो एयरटेल है 2G 3G 4G तीन मतलब फेज में अपना नेटवर्क देता है, ठीक है। तो यदि आप जिस एरिया में वहाँ पर 4G नहीं पकड़ेगा तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यूज बोल्टी, इसको ऑन कर देंगे तो बोल्टी में ही कॉल लगेगी। यदि आप इसको बंद कर देंगे तो आप 2G में रहेंगे या 3G में रहेंगे, जिस एरिया में रहेंगे कॉल लगने लगेगी। यदि आप 4G एरिया में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4G एरिया में है तो इसको ऑन करके कॉल वगैरह कर सकते हैं, बोल्टी पकड़ लेगा। यदि उसमें एरिया में नहीं तो इसको बंद करके कॉल करेंगे, पूरा 100% चांस है कॉल आपकी लग जाएगी। यदि कॉल फिर भी नहीं लगती है तो आपको क्या करना होगा, अपने फोन को स्विच ऑफ करना होगा। स्विच ऑफ करके एक बार फिर से खोलिएगा और कॉलिंग करने का प्रयास करिएगा, कॉल जाने लगेगी। पूरा उम्मीद है कि आप कॉल कर पाएंगे, और ये जो मैंने 4-5 तरीका बताया इसमें से कोई ना कोई ट्रिक काम जरूर किया होगा और इसका जरूर करेगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। यदि आप मेरे वीडियो से संतोष है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा ट्रिक काम किया कि नहीं किया, ताकि अगला जो मेरा वीडियो देखे तो बिलीव कर सके कि हाँ ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रहे। कमेंट बॉक्स में अपना राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।